ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। मनजीत सिंह जीके के ऐतिहासिक कार्यों से प्रभावित होकर अमृतसर के पंकज शर्मा बने पंकज सिंह। दिल्ली कमेटी ने पंकज सिंह और उनके पिता दौलत राम को किया सम्मानित। अमृतसर के रहने वाले पंकज शर्मा, जो कुछ समय पहले तक पंकज शर्मा हुआ करते थे, वह अब पंकज सिंह बन चुके हैं। पंकज सिंह ने जनहित न्यूज से खास बातचीत के दौरान कहा कि वह दिल्ली कमेटी अध्यक्ष मनजीत सिंह जी के और उनकी टीम के ऐतिहासिक कार्यों से प्रभावित हुए और उन्होंने अचानक से सिंह बनकर आगे से अपने केशों की बेदबी ना करने का प्रण लिया। पंकज सिंह के पिता दौलत राम का मनजीत सिंह जीके के परिवार से पुराना रिश्ता है और दिल्ली कमेटी के कई कार्यों में दौलत राम सहयोग भी करते हैं। पंकज सिंह और उनके पिता दौलत राम को दिल्ली कमेटी द्वारा फतेह दिवस के मौके पर लाल किला स्टेज पर सम्मानित भी किया गया। पंकज सिंह ने कहा कि वह उन सिख युवकों को भी अपील करते हैं जो अपने लक्ष्य से भटककर सिखी रूपी को त्याग चुके हैं, केशों की बेदबी करते हैं। साढ़े नाल ने पंकज जड़े कि कुछ टाइम पहले तक जड़े ने सहधारी होया करते सी, लेकिन हुण जड़े ने एक गुरसिख बन चुके ने और इन्हों का कहना है कि मनजीत सिंह जीके वालों जिस तरीके के उपराले किए जा रहे हैं उस तो प्रभावित होकर तो सिंह सजे ने। आओ गल करने हैं। पंकज जी, थोड़े तो जानना चाहोंगे किस तरह मंच विचार आया तो अजय गुरसिखी जो बने? वाहगुरू जी का खालसा, वाहगुरू जी की फतेह। अज मैं सरदार मनजीत सिंह जीके जी का बहुत बहुत धन्यवादी हाँ जिन्होंने मैथों लाल किले फतेह दिवस से इन्ना मान दिता है। तो जिस तरह तुम्हें पता ही है, जिस तरह गुरु तेग बहादुर साहब जी ने अपना शीस दे के चांदनी चौंक में कश्मीरी पंडितों का हैल्प की थी, तो जो जो उपराले सरदार मनजीत सिंह जी के उन्होंने टीम सिख धर्म वास्ते करन डे वह बहुत ज़्यादा बहुत वधिया खुशी वाली गल है। तो जिन्होंने प्रेरित होकर सरदार मनजीत सिंह जी की अगवाई वाली टीम तो जो चार साल तो फतेह दिवस लाल किले, जिस तरह का तुम्हें पता ही है कि बच्चे बच्चे पता नहीं सी अज तक कि लाल किले की होया सी, जो केसरी झंडा चढ़िया सी, जो कुछ भी होया सी, उन्होंने सारे की मतलब खुशी वाली गल है कि मैं इन्होंने बहुत बहुत बधाई दिता हाँ। जो इन्होंने उपराले दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी और उन्होंने टीम जो उपराले करन डी ने सिखी धर्म वास्ते, तो बहुत ज़्यादा खुशी वाली गल है जिन्हों तो मैं प्रेरित होकर अज सिख सिख बने। तुम तो चलो सिख सज गए, लेकिन अज भी जड़े ने बहुत ज़्यादा साढ़े जड़े ने नौजवान जी पीढ़ी हैगी सिखी तो भटक रही है, किसी न किसी कारण करके आके केसा की बेदबी की जा रही, तो उन्होंने की तुम कहना चाहोगे? मैं यो कहूँगा कि जो भी है जी सिखी अपन बहुत बलिदान दे के बहुत ज़्यादा मुश्किल से सिखी प्राप्त हुई है, तो मैं सारे अपने वीर भरावों को बेनती करांगा कि सिंह बनो। तो जो एक दिल्ली सिख गुरुद्वारा और बड़ी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए जनहित न्यूज़।